हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आप इस वीडियो में जानोगे एप्पल न्यू पावरफुल सॉफ्टवेयर टू न्यू रूल्स फॉर ट्विटर अकाउंट वेरिफिकेशन। वीडियो को एंड तक जरूर देखें जिससे कोई भी चीज मिस ना हो पाए। मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं हैक द नर्ड। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, किंगस्टन ने इस साल मार्च में अपने न्यू एसएसडी लॉन्च किए थे एंड फाइनली NVMe SSDs इंडिया में इस मंथ लॉन्च हो चुके हैं। किंगस्टन के NVMe SSDs 2TB स्टोरेज एंड 2100 Mbps रीड स्पीड्स के साथ आते हैं, जो कि बजट PC एंथुसियास्ट के लिए अफोर्डेबल हैं। ये 500GB, 1TB एंड 2TB वेरिएंट में अवेलेबल हैं और साथ में 3 इयर्स की वारंटी भी मिल रही है। बात करें प्राइस की, 500GB वेरिएंट की प्राइस है 7,600, 1TB वेरिएंट की प्राइस है 14,600 एंड 2TB वेरिएंट की प्राइस है 24,400। ये SSD डेस्कटॉप एंड नोटबुक कंप्यूटर में यूज हो सकती है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट न्यूज, एप्पल ने अपना न्यू पावरफुल सॉफ्टवेयर अनाउंस किया है जो कि फिजिकली डिसेबल पर्संस को हेल्प करेगा। ये फीचर अवेलेबल होगा सिर्फ iOS, watchOS एंड iPadOS और साथ ही न्यू साइन टाइम सर्विस टू कनेक्ट एप्पल स्टोर एंड एप्पल सपोर्ट कस्टमर विद ऑन डिमांड साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स। मूविंग ऑन द नेक्स्ट न्यूज, 100 मिलियन यूजर्स का डेटा ऐसे ही एक्सपोज पड़ा है ड्यू टू थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विस मिसकॉन्फ़िगरेशन। According to Checkpoint Research, उन्होंने डिस्कवर किया many application developer left their data and millions of users private information exposed सिर्फ थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विस की मिसकन्फिग्रेशन की वजह से। इस मिसकन्फिग्रेशन की वजह से यूजर्स का पर्सनल डेटा एंड डेवलपर्स के इंटरनल रिसोर्सेज लाइक एक्सेस टू अपडेट मैकेनिज्म स्टोरेज रिस्क में है। पर्सनल डेटा इंक्लूड ईमेल, चैट मैसेजेस, लोकेशन, पासवर्ड एंड फोटोज, जिससे हैकर्स आपके पर्सनल डिटेल्स को यूज कर सकते हैं एंड दिस कुड लीड्स टू बी फ्रॉड। ओवर 23 एप्स में मिसकॉन्फ़िगरेशन मिला है जो लाखों लोगों को अफेक्ट कर सकता है। सोशल मीडिया का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है हमारी लाइफ में, जिस कारण वाई स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न और बिग बिजनेसेस प्रेफर्स करते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब एक्सेट्रा एडवर्टाइज करने के लिए लाइक ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स। अ पर्सन विद वेरीफाइड अकाउंट के पास हमेशा अपर हैंड होता है पीपल का कॉन्फिडेंस गेन करने में। जितने ज्यादा फॉलोअर्स उतनी ज्यादा रीच। जब ट्विटर ने अपना 2017 में वेरिफिकेशन प्रोसेस क्लोज कर दिया था तो बहुत सारे एक्टिव यूजर्स को दुख हुआ था, बट नाउ इट्स बैक, विच मीन्स अब आप ब्लू टिक के लिए अप्लाई कर सकते हो अपने यूजर्स नेम के बगल में। अगर आप चाहते हो हाउ टू अप्लाई फॉर ब्लू टिक, देन मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा इस पर। मूविंग ऑन द फाइनल न्यूज, नेक्स्ट न्यूज भी ट्विटर से ही आ रही है। ट्विटर ने अपना ऑटोमेटिक क्रॉपिंग AI रिमूव कर दिया है। वाइट इंडिविजुअल जो ज्यादा फेवर्ड कर रहा था ओवर ब्लैक पीपल्स एंड वुमेन ओवर मैन, ऐसा मैन ही खुद कंपनी कह रही है। ये प्रॉब्लम एक दो महीने के बाद सामने आई जब यूजर्स ने इस प्रॉब्लम को हाईलाइट किया कि ट्विटर का इमेज क्रॉपिंग AI के एल्गोरिथम में कुछ प्रॉब्लम है। ट्विटर ने पहले ही ये अपने पुराने सिस्टम से निकाल चुका था एंड अपडेट पैच से कम्प्लीटली रिमूव कर देगा। ऑटोमेटेड ट्विटर इमेज क्रॉपिंग का एल्गोरिथम ये है कि वो इमेज को ऑटोमेटिक सेंटर टॉल और वाइड करता है, जो बाकी लोग और इंटरेस्ट पार्ट होते हैं इमेज में वो भी रिमूव हो जाते हैं। बट इन माई ओपिनियन It's not always work perfectly. So guys, that's all for today's videos. I hope you guys like this video. Future में ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें and press the bell icon for more future updates. Till then, bye bye.